जहानाबाद अरवल मोड़ पर एक कौम फाउंडेशन बिहार की ओर से अनुच्छेद 341 पर लगे संविधान विरोधी धार्मिक प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए प्रदर्शन किया गया। डॉक्टर सुल्तान अहमद अंसारी ने कहा कि 10 अगस्त 1950 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का पारा 3 निरस्त किया जाए ताकि धर्म के आधार पर हो रहे पक्षपात को समाप्त किया जा सके। अनुच्छेद 14, 15, 16 व 25 में स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, किंतु अनुच्छेद 341 पर लगा धार्मिक प्रतिबंध संविधान के दावों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। इसे शीघ्र निरस्त कर ताकि हमारे संविधान व कानून की कथनी एवं करनी में मौजूदा अंतर को समाप्त किया जा सके। बंद करो, बंद करो। 10150 को लेकर कानून को रद्द करो। बंद करो, बंद करो। 10150 को लागू संविधान को रद्द करो। बंद करो, बंद करो। संविधान में भेदभाव करना बंद करो। बंद करो, बंद करो। दलित दलित एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। दलित दलित एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। आज हम लोग एक और फाउंडेशन बैनर के तले अनुच्छेद 341 के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन किया है। आज ही के दिन 1950 में प्रेसिडेंशियल पैरा 3 लाकर जो है मुसलमान दलित और ईसाई दलित के खिलाफ साजिश रचकर प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि उनको किसी तरह का लाभ ना मिल सके। तो आज के दिन काला दिन है। सरकार से मांग करते हैं कि जो धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना ये संविधान के खिलाफ है। 14, 15, 16 या 25 आप पारा देख लीजिए जो है, जो जनजात भारत के लोग हैं उसके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये धारा आर्टिकल 341 सरकार को निरस्त करना चाहिए ताकि धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, दलित जो हैं उनको सारा सुविधा मिल सके। 341 है क्या? 341 धर्म के आधार पे एक भारत सरकार ने 1950 में आज ही के दिन प्रेसिडेंशियल कानून ला के पैरा 3 में दे आप देखिएगा जो है वो एक कानून बना दिया गया कि जो हिंदू दलित हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा लेकिन जो मुस्लिम दलित हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो क्या वजह हुआ, क्या इस वजह? जाहिर सी बात है कि हमको लगता है कि सरकार ने जो है मुसलमान और ईसाइयों के साथ भेदभाव किया और उनका भेदभाव का वजह यही रहा कि भेदभाव उन्होंने किया, जबकि धर्म के आधार पर संविधान यहाँ किसी को भेदभाव करने की इजाज़त नहीं देती। तो इनके लिए किन को दोषी मानते हैं आप? जाहिर सी बात है कि 1950 में नेहरू जी थे उस वक्त, और उस वक्त जो हमारे बड़े लीडर थे जो है हमारे रहनुमा थे मुसलमानों के रहवर थे उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए था। तो चलिए अभी पूरे भारत में के लोग जो है पसमानदा मुस्लिम हैं वो चाहते हैं कि धारा आर्टिकल 341 अनुच्छेद 341 जो है वो समाप्त हो और जो हिंदू दलित को लाभ मिलता है वो मुस्लिम दलित को भी लाभ मिलना चाहिए।